हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बताने जा रहा हूँ जिपमर के बारे में, जिसका कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं इसके बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि टोटल कितने सीट हैं। तो टोटल 200 सीटें हैं, तो इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। और दूसरा है कि इसका रजिस्ट्रेशन फी क्या लगेगा, तो सारी जानकारी मैं आप लोग को बारी बारी से दूंगा। तो पहला नंबर तो आप यहाँ पे देखिए कितने सीट है। तो टोटल जिपमर में 200 सीट है, जिसमें कि जिपमर पौंडुचेरी में 150 सीटें हैं और जिपमर कर्नाटका कैरिकल में 50 सीट है। दोनों मिलाकर 200 सीट होते हैं, जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज बता दें, जनरल के लिए 45 सीट है पौंडुचेरी में और कैरिकल में 16 सीट है। ओबीसी के लिए 28 सीट है पौंडुचेरी में और 9 सीट है कराईकेल में। एससी के लिए 15 सीट है पौंडुचेरी में और 2 सीट है कराईकेल में। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट पौंडुचेरी में और 3 सीट है कराईकेल में। और पी अदर्स के लिए है, जनरल के लिए यानी कि 29 सीट है पौंडुचेरी में, 8 सीट है कराईकेल में। इस तरीके से आप सारे सिस्टम देख सकते हैं। टोटल मिला के 150 सीट होता है पौंडुचेरी में और 50 सीट कराईकेल में। कुल 200 सीट पे इसका एग्ज़ाम होंगे। और नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ क्या होगी इसका रजिस्ट्रेशन फी, तो भी आप यहाँ पे देख लें। कैटेगरी वाइज जो है से फी डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे कैटेगरी जनरल के लिए 1500 है प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, और ओबीसी के लिए 1500 है साथ में हैंडीकैप भी इंक्लूड है, और ईडब्ल्यूएस और पीईडब्ल्यूएस के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, और एससी एसटी के लिए 1200 है, और एनआरआई कोटा और ओसीआई के लिए टोटल 3000 फी लगेंगे प्लस में ट्रांजेक्शन चार्ज। ये सारी जानकारी आप लोग के लिए मैंने दिया, या आप खुद भी देख सकते हैं, सारी जानकारी पड़े हुए हैं। आप जिपमर के साइट पर जा सकते हैं www.jipmer.edu.in पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सारे डिटेल आ जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। यार दोस्तों, यदि आप लोग ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।